गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुद्दसर, मैं हूं मुबशीर। सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने सबसे बड़ा खेला कर दिया। मतलब भारत ने कोई बाजी पलट दी है, कोई बहुत बड़ा खेल रख डाला। ये पहले वीडियो देखेंगे क्योंकि हिंदी में यही हमें मतलब ट्रांसलेट किया तो यही आया। तो जल्दी से पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद सही से आइडिया होगा। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंट डाउन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों कल जो हुआ है ना उसे भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है। क्या हुआ? क्योंकि भारत ने एक ऐसा काम किया है जिससे भारत पूरे एशिया के अंदर एक हीरो बन चुका है, खासकर कि उन देशों के लिए जो चीन से दुश्मनी रखते हैं। वहीं चीन इस कोशिश में था कि भारत के इस ऐतिहासिक पल में किसी तरीके से खलल डाला जाए, भारत को नीचा दिखाया जाए। लेकिन मजे की बात यह है, आप भी हंसोगे, कि चीन पर यह मामला पूरा उल्टा पड़ गया। चीन ने एक इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया कि आने वाले कई सालों तक उसे यह बात चुभती रहेगी। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और जान ले हैं इस पूरे मामले को। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि कल थोड़ी परिवार में प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने दो ही वीडियो डाली, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बताया भी था। तो आप सभी लोगों ने जो सपोर्ट दिया है उसके लिए दिल से बहुत 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 धन्यवाद। अब परिवार में मेरे सब कुछ कुशल मंगल है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक होनी थी कल शाम 5:30 बजे, और भारत की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो खैर मीटिंग तो हुई, लेकिन मीटिंग क्या उल्टा बवाल हो गया। सबसे पहले तो ये कि भारत का सभी देशों ने धन्यवाद किया है, खासकर कि वियतनाम, फिलीपींस, इसके अलावा जो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, जापान है, इन सभी देशों ने भारत का बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया है। क्यों? इसका कारण यह है कि दक्षिणी चीन सागर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सभी देश लगातार गुहार लगा रहे थे कि चीन दबंगई कर रहा है, हमारी अगर शिप जाती है दक्षिण चीन सागर में तो चीनी नौसेना उन्हें उड़ा देती है। इसको लेकर लगातार ये देश चाहते थे कि राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बातचीत हो, चीन के खिलाफ कुछ माहौल बने। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि चीन के पास वीटो पावर है, चाहे सारी दुनिया चाह ले, लेकिन अगर चीन ने कह दिया कि इस मुद्दे पर बात नहीं होगी, उसने वीटो लगा दिया, तो नहीं ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 4 महीनों के अंदर इन सभी देशों ने, जो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वियतनाम, फिलीपींस, जापान, इन सभी ने प्रस्ताव लाने की कोशिश करी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दक्षिणी चीन सागर को लेकर, लेकिन चीन ने हर बार वीटो कर दिया, प्रस्ताव को आने ही नहीं दिया। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रेसिडेंट है। ऐसे में जो प्रेसिडेंट होता है वो वीटो पावर को भी ओवर रूल कर सकता है, यानी कि उसके सामने वीटो पावर भी बेकार है। ऐसे में अगर प्रेसिडेंट कोई प्रस्ताव लाता है तो कोई भी देश इसे नकार नहीं सकता, ना ही अमेरिका ना ही चीन। तो खैर भारत इस पर प्रस्ताव लाया और इस पर बातचीत शुरू हुई, और बातचीत शुरू होते ही ऐसे लगा जैसे अमेरिका कई सालों का भरा बैठा था चीन पर फट पड़ा। सबसे पहले तो अमेरिका ने सीधी चेतावनी दी है, जी हाँ, कि अगर दक्षिणी चीन सागर में कोई भी देश किसी भी दूसरे देश को यहाँ पर धमकी देता है, किसी देश की शिप नहीं जाने देता है, अपनी दबंगई दिखाता है, तो उसका सामना करेगा अमेरिका, और अमेरिका उस देश का साथ खुलकर देगा जिसके ऊपर दबंगई की जा रही है, जिसे तंग और परेशान किया जा रहा है। हम दक्षिणी चीन सागर को पूरी दुनिया का मानते हैं, ये इंटरनेशनल वाटर है, कोई भी देश चाहे कितना ही छोटा है, कितना ही बड़ा है, वो इस इलाके से फ्रीली गुजर सकता है, किसी पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर कोई देश इस चीज का उल्लंघन करता है तो फिर उसे अमेरिका का सामना करना होगा। बिल्कुल खुले तौर पर उन्होंने कहा ये बात। अब आए चीन की बोलने की बारी। लेकिन चीन ने इस बैठक में जो किया है ना, आप भी कहेंगे कि वाकई में ही बहुत ज्यादा बड़ा ब्लंडर कर दिया। दरअसल चीन ने क्या किया, आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, तो चीन ने हमारा स्टेटस गिराने के लिए जो अपने ना तो किसी विदेश मंत्री को भेजा बैठक में, ना ही जो संयुक्त राष्ट्र में उनके परमानेंट सदस्य हैं उन्हें भेजा, बल्कि उनके डिप्टी अधिकारी को भेज दिया। यानी कि भारत को यहाँ पर डिसरिगार्ड करने की कोशिश करी, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करी। लेकिन चीन को क्या पता था कि ये उनके लिए उल्टा भारी पड़ जाएगा। देखिए हुआ क्या, असल में जैसे ही अमेरिका ने सीधे आरोप लगाने शुरू कर दिए चीन पर, हालांकि चीन का नाम नहीं लिया लेकिन सभी को पता था कि अमेरिका किस पर निशाना साध रहा है, तो जो चीन का वो अधिकारी बैठा हुआ था ना वहां पर,
जो मीटिंग अटेंड कर रहा था चीन की तरफ से, वो बेचारा इनएक्सपीरियंस था, ज्यादा उसे डिप्लोमेटिक चीजों को हैंडल कैसे करना है नहीं पता होगा। अब जैसे ही आरोप लगे वो भड़क उठा गुस्से में, उसने सीधा अमेरिका का नाम ले दिया। जी हाँ, और ये सबसे बड़ी गलती होती है डिप्लोमेटिक, जब भी वर्ल्ड में बात होती है कभी किसी देश का सीधे नाम लेकर नहीं बोला जाता, क्योंकि इससे आपके देश की जो डिप्लोमेटिक गरिमा है वो गिरती है। और दुनिया में मेन संदेश ये जाता है कि आप हार रहे हैं उस देश से जिस देश का आपने नाम लिया है, वो आपको फ्रस्ट्रेट करने में कामयाब रहा है। उदाहरण के लिए आप भारत पाकिस्तान का ही ले लीजिए, कभी भी आप भारतीय प्रधानमंत्री के मुंह से सीधा पाकिस्तान नाम नहीं सुनेंगे। वो इनडायरेक्टली निशाना साधते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से सीधा सीधा भारत का नाम लेता आया है। और दोनों की डिप्लोमेटिक पोजीशन क्या है वर्ल्ड में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खैर, उस अधिकारी ने सीधा अमेरिका पर आरोप लगाया कि अमेरिका पूरी दुनिया में परेशानी की जड़ है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं अमेरिका स्टार्ट करता है, दक्षिणी चीन सागर में भी यहाँ पर अमेरिका ही इंटरफेयर कर रहा। देखिए, इन दोनों देशों की बातचीत की चर्चा पूरी दुनिया में आज हो रही है, पूरी वर्ल्ड मीडिया कवर कर रही है कि कैसे अमेरिका और चीन भिड़ पड़े, लेकिन एक और देश की चर्चा हो रही है भारत। कहा जा रहा है कि इस बैठक से सबसे बड़ा विजेता है भारत। भारत ने बिना एक शब्द कहे अमेरिका और चीन की जो राइवलरी है उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत ने यहाँ पर पहली बार जो दक्षिणी चीन सागर का मुद्दा है इसे पूरी तरीके से इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है। अब यूरोप के घर घर में इसकी चर्चा होगी क्या है दक्षिणी चीन सागर, क्योंकि बहुत से लोगों को तो पता ही था कि दक्षिणी चीन सागर है भी कुछ। लेकिन भारत ने यूएनएससी में दक्षिणी चीन सागर की चर्चा करवाकर अब सबको ये संदेश भिजवा दिया है कि दक्षिणी चीन सागर एक इलाका है और चीन वहां पर कब्जा करना चाहता है, यानी कि चीन कब्जा धारक है। चीन की इज्जत मिट्टी में मिला दी, चीन का जो मुद्दा था उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है। कश्मीर से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीयकरण आज की तारीख में दक्षिणी चीन सागर का भारत ने कर दिया है और चीन को चेकमेट भी कर दिया है। और अभी आपको बता दूं कि भारत 30 दिनों के लिए प्रेसिडेंट है इस पूरे महीने के लिए, 10 दिन हुए हैं। 10 दिन में भारत अफगानिस्तान की चर्चा करवा चुका है और दक्षिण चीन सागर की करवा चुका है, अभी 20 दिन और बचे हैं। मुझे लगता है कि उइगर मुस्लिम का मुद्दा अभी भी बाकी है। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आने वाले 20 दिनों में भारत क्या क्या और कमाल कर सकता है, कौन कौन से मुद्दे उठा सकता है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो यार ये वीडियो खत्म हो जाए, वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार अभी 10 दिनों में इतना कुछ लेने का, मतलब चाइना की कमर तोड़ कर रख दी है, चाइना को पूरी दुनिया में जलील कर दिया। मतलब मैं ये सोच रहा था कि मतलब उन्होंने इस तरह किया है कि उन्होंने नाम भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं, मतलब बैठक बिठाई, उस पर चर्चा करवाई, इंडिया हो गया साइड पे, अमेरिका और चाइना आपस में जो है पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, एक टाइम कोई मुद्दा नहीं उठाता था ये चीज का, एक टाइम मतलब इंडिया पाकिस्तान को मतलब बीच में घील डालते थे, चाइना हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया। इंडिया ने आज अपना बदला उतार लिया, कैसे दो सुपर पावर्स के बीच में आग लगा के मजे लेता मजे लेता मतलब उन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने इसको कोई डर के मारे कोई भी जो उसका सदर होता था वो मुद्दा नहीं उठाता था, क्योंकि वीडियो का वीडियो था इस बार चाइना था, इंडिया था वो तो डरने वाला था ना, उसने कहा अब तो मैं तो रगड़ूंगा। इंडिया ने बोला मीटिंग होगी होगी इसी पे होगी, इसी बात पे, उसके बाद फिर चाइना और अमेरिका शुरू हो गए। और वो आपस में यार कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया यार कि मतलब अपने कैसे बंदे को चाइना ने गलत किया कि कोई कुत्ता बिल्ला अपना भेज दिया, उन्हें चाहिए था कि मतलब सही से बंदा भेजते जो मतलब सही भाषा में उसको जो अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से जो वो इन्होंने यहाँ पे ब्लंडर कर दिया, उन्होंने भारत को नीचे दिखाने की कोशिश की, लेकिन खुद पूरी दुनिया में जो है ना चीन वाली जो उनका जगह है उसके बारे में बात हो रही है सारी, और पूरी दुनिया को पता, जिसको नहीं भी पता था वो इसके बारे में बात कर रहा है। सो गाइस, आपको इसके बारे में क्या कहना है अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।